हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंसल फैमिली। कैसे हैं आप सभी? और आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है वेनसडे का दिन, और देखो मैं हो चुकी हूँ रेडी सुबह खाना वाना सब बना के। व्लॉग की शुरुआत जो है मैं 4 साढ़े 4 बजे कर रही हूँ, क्योंकि डायरेक्टली मैं जा रही हूँ मम्मी के घर, क्योंकि आज चढ़ना है प्रिया के सिंदारा, जो आई थिंक आप सभी को पता होगा सिंदारा क्या होता है। वैसे मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है सिंदारे के बारे में, बट मैं हो चुकी हूँ रेडी। फ़िलहाल जाते हैं, अभी तो नहीं आए होंगे आई थिंक प्रिया के इन लॉज वगैरह, बट आने वाले होंगे। तो फटाफट से मैं आपको दिखा देती हूँ अपनी साड़ी, जो कि ऑलरेडी आपने देखी हुई है। मुझे आलस आता है बेड में से और साड़ियाँ निकालने में, तो ये एक या दो साड़ी है जो आजकल मैं इन्हीं को ही मतलब कहते हैं ना रगड़ती हूँ, वो वाली चीज़ है। फटाफट से दिखा देती हूँ मेरा लुक। गाइस ये है मेरा लुक, और वैसे मैं सोच रही थी ओपन करूँ, बट ओपन कर नहीं सकती हूँ क्योंकि काम करना होगा वहाँ पे। और इधर मैं हो चुकी हूँ रेडी येलो कलर की साड़ी, क्योंकि तीजों का सिंदारा चढ़ता है, तो इसलिए ग्रीन और येलो मैंने ऐसा पहना है। ग्रीन कलर का ब्लाउज हो गया, येलो कलर की साड़ी हो गई। तो चलो फटाफट से चलते हैं मम्मी के घर। गुल्लू, ज्यादा नानी नानी से पैसे कम मत ऐठा कर गुल्ला। और इधर मम्मी बर्तन धो रही है, मैंने कोई काम नहीं किया, मैं बस यहाँ पे बैठ के ऐश कर रही हूँ। सुनी का बहन, व्हाट इज दिस न्यू लुक? सॉरी, तुमने साड़ी में मुझे कभी देखा नहीं है। भाई साहब, मैंने तो सालों बीत गए, साड़ी मतलब में देखा। और क्या देखा? जी स्टॉक में देखा। और क्या भाई, साड़ी भी कभी कभी पहननी चाहिए। जीन्स टॉप सूट में हमेशा डायलॉग मारती है कि त्योहारों पे तू सोनी का कुछ नहीं पहन, साड़ी तो पहनती नहीं है ऐसे ही वो। तो इसीलिए अब मैं ध्यान रखती हूँ कौन सा इम्पोर्टेंट त्योहार है, तो उस पे जो है मैं साड़ी पहनू, वो भी कलरफुल। तो आज कौन सा इम्पोर्टेंट त्योहार है? प्रिया के ससुराल वाले आ रहे हैं ना तीज लेके, प्रिया के सिंदारा चढ़ा, सिंदारा चढ़ा। हाँ मतलब इन लॉज आ रहे हैं ना, इन लॉज आ रहे हैं मम्मी। ओके, तो आप स्पेशली तैयार होके आई हो? इसलिए मैं तैयार हो के आई हूँ। सुबह 4 बजे से यहाँ पे, सुबह से 4 बजे से तुमने मुझे पेला हुआ है। सुबह 4 बजे से हो? और क्या, सुबह 4 बजे से हो? हाँ। अभी आई है 5 मिनट पहले जस्ट। ऐसे ही होता है बात। भाई नींद आ रही है मुझे अभी भी, मुझे कोई दे देना बिस्तर तो मैं सो जाऊँ। नींद तो मेरे को भी आ रही है। मम्मी एक बार लैपटॉप बैग दे दो। अच्छा काफी लोग ये पूछ रहे हैं कि आशु भैया कौन सी कावड़ लेके आए। नहीं मतलब ये नहीं, कौन सी कावड़ मतलब? जैसे एक डाक कावड़ होती है, एक अलग वो पिट्ठू कावड़, फिफ्थ पांचवी कावड़ है और पिट्ठू कावड़ है। पहले झूला लेके आया था, अबकी बार ये लेके आया। अच्छा, कितने साल से? 5 साल से ला रहा है। साल, और कितने टाइम लगता है? 5 से 6 दिन। 5 या 6 दिन। तो गाइस आपको सारी वो मिल गई है, हरिद्वार से लाता है। कितने किलोमीटर है वहाँ से यहाँ पे? हाँ, नहीं तो सुबह कितने मतलब, मैं क्या पूछ रही थी, जाता है तू बस से और आया तू पैदल, है ना? कितना किलोमीटर है? वैसे तो 210 है, बट इस बार ना हाईवे से रास्ता निकाला था। हाँ, तो 240 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर फालतू पड़ा। और सबसे ज्यादा वो यूपी में बढ़िया लगा। कैसे? यूपी में इतनी सफाई, और यूपी में सफाई भी है, और यूपी में हाँ योगी जी ने मजा भी नहीं कर रहा। हाँ, बीजेपी, मैं किसी को नहीं मानता। हाँ, योगी ने बहुत अच्छा, बहुत लोगों ने कमेंट किए हैं ये कि हाँ आ रही हूँ। एक बंदा कह रहा था कितने परसेंट दिए दे। हाँ, मैं यूपी को 100% दूंगा इस मामले में। अच्छा जी, जो काम किया। हाँ बता। चम्मच लिए, चम्मच में लेके खाए, खाली पेट। क्या खा रहा है बेटा? छोड़ दे अब इसको, ये चम्मच कहाँ से आई है? नकुल आया होगा ना बेटा। नहीं नहीं नहीं, सारी झूठी नहीं करते, गंदे बच्चे होते हैं। आ जा, चल छोड़, आओ चलो। नहीं भाई ये तो खैर यूपी में हुआ है,
और काफी लोगों ने यूपी में बहुत अच्छा हो गया है। और योगी ने इस बार सेवा पुलिस फोर्स बहुत अच्छी दी। अच्छा जी, SHO तो कुछ भी नहीं है, SHO मतलब अच्छे से सेवा कर रहे हैं वहाँ पे। सही है भाई, खुद पुलिस वालों ने इतना वो किया है। और सफाई का पता क्या था, हर वहाँ पे झाड़ू वाला कुछ ऊपर रखा था कि हर 5 मिनट बाद अगर गंदगी हो रही है साफ करो, मतलब अच्छा। अच्छा जी, और दिल्ली में दिल्ली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में सफाई मुझे तो नहीं समझ आई, मेरे घर के नीचे देखती हूँ मैं भाई, इतना कूड़ा दिल्ली में। पता क्या ईमानदारी से तो हम कांवर इतनी बड़ी बड़ी है, इतने छोटे या तो तुम बीच में जाओगे रोड पे या उधर जाओगे भाई। अभी दिल्ली में पॉपुलेशन ज्यादा है तो उसको थोड़ा सा देना चाहिए। अभी क्या हुआ, अभी परसों में कावड़ लेके कहते कि कावड़ किसी ले जाए तो कावड़ी गलत है। हाँ, मैं इतने को यही चीज बता रही हूँ। बंदे क्या कहते हैं, 90% कावड़ी होते हैं, ऐसे होते वैसे होते हैं। मतलब 90% पता कितने होते हैं, लाखों होते हैं। हाँ, और लाखों बंदे गलत है ना तो दिल्ली या पंजाब कितना कुछ खराब है। मैं तेरे को यही चीज मैं कह रहा हूँ, अभी परसों की बात है, 90% कोई गलत नहीं होता। परसों की बात है, मैं कावड़ कोई बंदा कावड़ लेके आ रहा था, संडे की बात है। हम लोग पीछे पीछे थे स्कूटर पे बाइक पे, तो हम लोग निकले तो वो बंदा बेचारा ट्रैफिक में से ऐसे ऐसे टेढ़ी टेढ़ी करके कावड़ लेके जा रहा है। एक तो इतना जल भाई, आई थिंक कलश था उसके पास है। हाँ, तो भाई वो बड़ी मुश्किल, भाई बहुत मुश्किल से निकला। फिर क्या, दो तीन और उसने जो वो थे ना स्कूटी वाले, तो उन्होंने फिर आगे जाके रास्ता खाली करवाया कावड़ वालों के लिए। तो भाई ये चीज भी बहुत जरूरी है, होनी चाहिए। उनके नए चालू हो गए हैं, इसकी माँ हेलमेट लगाती नहीं है, तो उसने कहा मम्मी के सारे काम मैं करूंगी, तो मैं लगाऊंगी हेलमेट। बंद भी कर रही है, देख लो। सो फ्रेंड्स, आप भी सेफ्टी रूल्स सारे फॉलो किया करो। देखो गुल्लू हमारा सेफ्टी रूल्स के लिए कह रहा है आपको, तो आप सबको सेफ्टी रूल्स सारे फॉलो करने चाहिए, है ना? गुल्लू क्लैपिंग कर दो, सेफ्टी रूल्स फॉलो करिए। ये क्या खा रहे हो? मैं केले की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, राइस, छोले बने थे आज, रायता बना था, और क्या बनाया था मम्मी? पूरी, मटर पनीर, प्याज की कचौड़ी, पनीर ढोकला और चिली पटेटो, काजू कतली, घेवर, ब्राउनी, और क्या था मैम, ब्रेड पकौड़ा, चीज नगेट्स, आइसक्रीम, अपना ये फ्रेंच फ्राइज, पेरी पेरी, और ये सब नकुल और मैंने बनाया था, और एक और चीज थी पनीर कटलेट, और उसके ऊपर छोटी मोटी चीजें वो हमें याद नहीं, भाई चटनी वगैरह, लिमका कोक ये सब तो बोलो ना। नहीं, ये तो छोटी मोटी चीजें, लिमका कोक, ये 10-15 चीजें आइटम है, चावल की राइस भी बोलते हैं। हमारे कुकों ने बहुत अच्छी ड्रिंक बनाई है, कहाँ हमें 50 निकालने हैं, कहाँ हमें 100 निकालने हैं। भाई देखो, कभी हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कमाओ, कभी आप बहुत ना भी कमाओ, सही बात है। इस वजह से उन्होंने एक ही चीज बना रखी है कि कहीं किसी के दिल पे ना लगे। भाई साहब, कल तो हमने 500 का कर दिया, आज हम 100 का कर रहे हैं, ठीक है? तो इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि अब से रक्षाबंधन पे भी ना मैं अम्मा वाली रीत अपना लू। अम्मा कहती थी 250 बहुत है, ठीक है? तो मैं 250 नहीं, तू एक काम कर, तू 250 दे दियो, 500 की मैं तेरे को टी शर्ट गिफ्ट कर दूंगी, है? और नकुल तो क्या, नकुल प्रिया के साथ तो क्या करता था, अब तो चलो प्रिया की शादी हो गई है, प्रिया को देता था, और फिर प्रिया से लड़ाई हो गई तो कहेगा ला मेरे पैसे वापस कर, राखी के पैसे मैंने तेरे को दिए थे। किए हमेशा किया, और क्या। सो गाइस, ये खाने पीने का सारा सिस्टम जो है ये हो चुका है। इधर ये प्रिया के यहाँ से आया सिंदारा, तो सारा सामान आया था। क्या मेरे ऊपर आरोप लगाया गया कि मैं रक्षाबंधन के पैसे वापस मांगे तो मुझे दिए गए वो वापस, तो ये आरोप है, ये 420 है, इसके ऊपर मैं इसका खंडन करता हूँ और इसके ऊपर मैं कोर्ट केस करूंगा। ठीक है, कल करेगा, कोई भी लॉयर है तो प्लीज नीचे अपना डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भेजे, और नकुल डिस्क्रिप्शन में नहीं कमेंट में।
डिस्क्रिप्शन तो हम डालते हैं, आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपसे कांटेक्ट, मेरे मोबाइल का है। तुम अपना लॉयर, तुम कमेंट कर रहे हो क्या? नहीं। अच्छा, क्या कह रही है? क्या अमित, तिलक जबरदस्त हो रहा है। लंबा करना सोनी को पहन कर। ए चुपचाप ले लो ना, त्योहार पर क्या है, ले लो अभी, ले सोनू का। अपनी कच्ची ले लिया, अपनी खा लेगा, अपनी वो ले लिए चॉकलेट, चॉकलेट ले लिए, मम्मा को दे, चेक करेगी। तो किसी के सामने बेइज्जती करा देगी। रुक जाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये इसके रबड़ बैंड मेरे हाथ में, ले। नानी का बाबू कितना बड़ा, ले 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 चुपचाप, नानी का बाबू कितना बड़ा, सोनी का ज्यादा मत बता।